इंस्टाग्राम फॉलोइंग एंड फॉलोअर, इस ऑप्शन का मतलब क्या है और ये इंस्टाग्राम में क्यों दिया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एहसान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रो। तो आपको क्या है, यहाँ पर जो तीन लाइन है यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ज़रा सा सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा, फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले न्यू फॉलोअर। तो आपके जितने भी न्यू फॉलोअर आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर चाहिए या नहीं, तो आपको ये ऑप्शन ऑन रखना है कि जब भी आपको नया फॉलोअर अगर कोई आपको फॉलो करे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो ये था पहला ऑप्शन। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन, एक्सेप्ट फॉलो रिक्वेस्ट। तो आप जब किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो और वो आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है यानी स्वीकार कर लेता है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तुरंत, तो इसको भी आपको ऑन रखना है इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है। फिर आपको ले चलते हैं तीसरा ऑप्शन, अकाउंट सजेशन। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि आपको जितने भी अकाउंट होंगे वो सजेशन अकाउंट में दिखाई देगी। मतलब कि क्या है कि अगर आपका अकाउंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपका जो भी अकाउंट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी के पास जाएगा और आप उस वो आपको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर आता है मेंशन इन बायो। तो क्या आप अपने अकाउंट को किसी दूसरे को परमिशन देंगे कि मेरा अकाउंट आप अपनी बायो के अंदर मेंशन कर सकते हो? जी हाँ, मैं यहाँ पर परमिशन देता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर किसी बंदे के 10,000 फॉलोअर है और वो आपके अकाउंट को अपने बायो में ऐड करता है, तो यार इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि अगर उस बंदे के जितने भी फॉलोअर होंगे वो उसकी प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद वो आपका अकाउंट मेंशन देखेगा तो उस पर क्लिक करके वो आपके अकाउंट पर विजिट करेगा, जिससे आपके फॉलोअर बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो मैं इसको फ्रॉम एवरीवन पर क्लिक करके रखता हूँ। तो ये था इंस्टाग्राम फॉलोइंग एंड फॉलोअर के ऑप्शन, और आप इस सेटिंग को कैसे सही कर सकते हो वो भी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। अगर आपको कोई सेटिंग समझ में नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।